Vshnews of China Economic Net Avari Maragash Bank. Maragashi Barjam Darak Butang. Vishan Gwadar Kargis Clifton Karachi Abarjam Darak Butang Maragasha. Vshnews CEO Waja Ahmad Iqbal Baluch. Director Vshnews Ues Iqbal Baluch. Program in charge Sajjad Ami. Sufia Baluch. Arsal Dura Shahmira Awar. Edege Marduma Bahar Zurtang. Maragisha cake cup kana gushat kami darshan kanak butag. Idar gata Ahmad Iqbal Baluch, Ues Iqbal Baluch, team bas kamati hayalulika darshan kutag. इम्पैक्ट है वो हमारी जो इकोनॉमिक्स है जो पाकिस्तान ट्रेडिंग के हवाले से जो सीपैक की डेवलपमेंट है उसमें क्या चीज़ हो रही है, चाइना जो है वो क्या चीज़ आगे लेके आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्या चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रही है। अगर ये प्रोग्राम ना होता तो माशरे के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता था कि उनको उन सवालात के जवाबात कोई देने वाला नहीं था। लेकिन ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि बीजिंग में भी रिकॉर्ड होता है, पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड होता है, कराची में भी रिकॉर्ड होता है, दूसरे एरियाज़ के अंदर इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो हर सवाल का जवाब जो है स्पेशलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों तरफ आवाम को उनकी अपनी आसान जबान में मिल रही है, न सिर्फ उनकी आवाम को मिल रही है बल्कि दुनिया भर के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि सीपैक जो है वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक की जो है बुनियाद के ऊपर ये काम कर रही है और इसके विंग्स और इसके रास्ते अभी बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और खुलेंगे। इसके अंदर जो लोगों का इकोनॉमिक सेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, लोगों की मालूमात जो है वो चाइना के हवाले से या सीपैक के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से वो बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी मालूमात जो है वो उन तक पहुंची है। आज बहुत खुशी का दिन है और ये यहाँ पे हम लोग सब मौजूद हैं और ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट्स है जो चाइना की साइड पे टीम है, मैं उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, उनको मुबारकबाद दूँगा। और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टीम थी जिसके अंदर ओएस इकबाल बलोच जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली आज 100 एपिसोड हुए, उनको मुबारकबाद दूंगा, सज्जाद बलोच को मुबारक दूंगा, सोफिया को, शामीर एहसानुल्लाह को, उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, अकरम जो इसके एडिटर हैं उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं और बाकी जितनी टीम है उन तमाम लोगों ने इसको जो है विन विन पोजिशन इसमें लेके आए हैं। आई अप्रिशिएट ऑल द न्यूज़ कास्टर्स एंड द प्रोग्राम होस्ट एंड मिस्टर वैंग, मिस्टर चू, मिस्टर मिंग, एवरीबडी, आई अप्रिशिएट एवरीबडी दैट दे पुट अ वेरी गुड एफर्ट टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम फॉर एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग इन सी पैक, पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी पैक, हाउ इट इज़ वर्किंग। सो वी एक्सप्लेन इन लास्ट 100 एपिसोड दैट वॉट इज सी पैक। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल China Economic Net team and I congratulate all WASH team, USH team. Thank you very much. बात शहर रोच है कि मई काउंटर पार्ट CN और WASH News वती बिंदाते सद एपिसोड सरजम को था और मोती टीम एप्रिशिएट करना और सेकेंडली माँ CN टीम एप्रिशिएट करना और माँ समझा कि ये प्रोग्राम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वास्ता और बिलखसूस ग्वादर एक इम्पॉर्टेंस से दारिते खत्ते तो का तो माँ समझा कि इस बाज एक दूर अंदेश रिजल्ट अतकगा और आयो के रोचाना काया। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट शोज एज फार एज डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर वेन्यूज एंड अदर प्रोफेशंस आर कंसर्न फोकसिंग द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ बलोचिस्तान as Gwadar itself is a fishing hub. We have played so many shows on fishing industries, that how fishing industry will get developed,
what need to be done, what expertise we will utilize with our counterpart, with the Chinese government and the Pakistani government, how this will enhance in, and how jobs will be created for the normal fishermen. China is playing a very vital role to promote education. Most of the people of Pakistan, particularly again I must say Balochistan, provided scholarship, yearly scholarship. We talk about trade, we talk about export, we talk about how the port will operate. We had many discussions. These show will definitely in the near future will definitely going to bring a massive change in the field of information sharing and what China is particularly doing for this region. It will also going to benefit the whole region. Game a digi program add on karna gaye student base aur bil khusus ama mard ama cheez ma enhance ke mardumana employment to create employment within the territory of district Gwadar are working with the Chinese brothers and sisters and they are doing a wonderful job. Finally, I would like to congratulate my counterpart Chinese people Wang Xiaotong, Zun Khan, and the people who are working at the back end over there in editing, in the cameraman team, the crew. I thank everybody for this great effort. And I would also like to thank my side, especially Asghar Ali Azak Saab, Sajjad Amit Saab, Sophia Saiba, Shamir Saab, particularly Akram Turabi Saab, our editor, and our side of the team, Arsal Durra Saab. So I like to thank them all that they are doing a very good job, and keeping in mind that both the sides are young, energetic, and we will have a long way to go. This program has made the people realize what to believe and what not to believe. Now, whenever there is a news which negates some information and speculate some information which create the negative impact on the people and their mind, so our program has helped the people, helped us to create the positive vibe among the commonality. I really feel proud, and I would really, really like to thank our counterpart, Ms. Wang Xiaotong, Ms. Zun Khan. They have also worked really hard with us, and I really, really wish, I pray that our program's frequency get increased, and the new we will start working on our new joint ventures as well. Thank you so much. I really appreciate the hard working of our team and our counterparts. We are sharing the information about the two nations and about the two countries. It comprises politics, political information and economics and socio-economics, and it's about the business, about the facts and data, about the CPAC. It was a very wonderful experience working with two great teams from Vshnews and one from China Economic Net. This TV show was a very good platform to clear all those doubts and give the factual information about China-Pakistan Economic Corridor. Vsh and CEN has played a very vital role in helping out the people of Balochistan. As we are already into the documentary side, I would also like to suggest our counterpart CEN and Vshnews TV as well that we should start doing the documentary similar to When in China, focusing the Chinese development and people who are working here in Pakistan. It would also help our people to know that what development is currently going on in Pakistan and what's the future plans we are looking forward to.